नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइफ, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढ़ी में घर लेने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। सड़क दुर्घटना में दो युवकों ने गवाई अपनी जान। भयावह सड़क दुर्घटना में दो युवकों ने अपनी जान गवाई है। यह घटना गुरुवार की देर रात फुलबाड़ी के घोषपुकुर स्थित बाईपास राष्ट्रीय मार्ग के दामनगच इलाके में घटी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात दो युवक बाइक से घोषपुकुर क्षेत्र से सिलीगुड़ी की ओर जा रहे थे। इस बीच रास्ते में डिवाइडर से टकराने के कारण यह घटना घटी और इस बीच बाइक चालक व बाइक में सवार युवक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग घटना के बाद मौके पर पहुंचे और इस घटना की जानकारी तत्काल फांसीदेवा थाने की पुलिस को दी गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को फांसीदेवा ग्रामीण अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने दोनों युवकों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया। मेडिकल अस्पताल ले जाने के बाद मौके पर उपस्थित डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस बीच दोनों की मौत की खबर से उनके परिवार वाले बेहद गहरे सदमे में है। वहीं पूरे इलाके में शोक का माहौल छाया हुआ है। इस बीच पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी में व्लादिमीर लेनिन की मनाई गई 153वीं जन्म दिवस। सिलीगुड़ी में आज यानी 22 अप्रैल को व्लादिमीर लेनिन का 153वां जन्मदिन मनाया गया। इस दिन व्लादिमीर लेनिन का जन्मदिवस विश्व के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड के अनिल विश्वास भवन के सामने वाम मोर्चा का झंडा फहराकर और लेनिन के चित्र पर माल्यार्पण करके मनाया गया। इस अवसर पर माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य, जिवेश सरकार, दिलीप सिंह, जय चक्रवर्ती और समन पाठक और अन्य सीपीएम नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं आज सभी ने व्लादिमीर लेनिन को माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कॉमरेड वी आई लेनिन 153वां जन्मदिन। कॉमरेड वी आई लेनिन श्रमजीवी मानुष सह गोटा दुनियार समस्त शोषित मानुषेर मुक्ति आंदोलनेर अन्यतम प्रेरणा। मार्क्सवाद लेनिनवाद जे आज के गोटा विश्वव्यापी जा चर्चित होच्छे एवं विभिन्न प्रक्रियाते जाके प्रयोग करा होच्छे तार अन्यतम रूपकार होच्छे कमरेड लेनिन। आमरा आमादेर देशेव शोषण मुक्तिर जे संग्राम करछि एवं एक ही संगे साम्राज्यवादेर बिरुद्धे, सामंतवादेर बिरुद्धे, एकचेटिया पूँजीवादेर बिरुद्धे एवं साम्प्रदायिक शक्ति, विभिन्न विच्छिन्नतावादी भेदवादी शक्ति तार बिरुद्धे आमादेर जे लड़ाई, सेई लड़ाइयेर क्षेत्रे कमरेड लेनिन एवं मार्क्सवाद लेनिनवाद आमादेर अन्यतम प्रेरणा। आज के कमरेड लेनिनेर 153वां जन्मदिने आमादेर पार्टीर पक्ष थेके আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তার যে অনুসৃত পথ, সেই পথে অবিচল থেকে শোষণ মুক্তি সংগ্রামকে আমরা জারি রাখব, এই শপথ আমরা গ্রহণ করছি। সিলিগুড়ি মে ভি মানায়া গিয়া ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে। দার্জিলিং জেলা পশ্চিম বঙ্গাল বিজ্ঞান মঞ্চ কি পহল পর আজ ইয়ানি 22 অপ্রিল কো পুরে বিশ্ব কে সাথ সাথ সিলিগুড়ি মে ভি বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস ইয়ানি পৃথ্বী দিবস কি উপলক্ষ মে विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल डे ने कहा कि वसुंधरा दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की पहल पर सिलीगुड़ी के बागरतन मैदान के सामने छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें से लगभग 70 छात्रों ने हिस्सा लिया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की पहल पर न केवल सिलीगुड़ी शहर में बल्कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में आज वसुंधरा दिवस मनाया गया। आज हे आर्थ डे वसुंधरा दिवस 22 अप्रैल 22 अप्रैल सारा पृथ्वी आज के दिन टीके आर्थ डे वसुंधरा दिवस ही पालन करा हमारा पश्चिम बंग विज्ञान मंच पक्ष मैं जिलाते विभिन्न जगह ये दिन का पालित हो नाना भावे घोषपुकुर नक्सलबाड़ी हमारे सिलीगुड़ी शहरे যেহেতু আজকে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা এবং বাচ্চারাও সব স্কুলে সব বাচ্চারা নেই,
এই জন্য কিছু ছাত্রছাত্রীদের পেয়েছি, আমরা তাদেরকে আজকে এখানে বসিয়েছি। প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং আমরা কিভাবে আমাদের এই ধরিত্রী আক্রান্ত এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেখানে মানুষ বা অন্যান্য জীব বাস করে এক কথায় আর কি, এইরকম অনুকূল পরিবেশ আজ পর্যন্ত অন্য কোনো গ্রহে পাওয়া যায়নি। আজকে বসুন্ধরা দিবস পালিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে। 70 জন ছেলে মেয়ে আমাদের এখানে আঁকতে বসছে। এছাড়াও আজকে ঘোষপুকুর অঞ্চলে আমাদের ওইখানে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উদ্ভিদ আমাদের বিভিন্ন প্রাণী উপরে আলোচনা সন্ধ্যার সময় আসে। ডক্টর গোপাল দে, কার্যকরী সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, দার্জিলিং জেলা কমিটি। मालबाजार अनुमंडल के नगरकाटा प्रखंड के ग्रास मोड़ चाय बगान की लाइन नंबर 4 से एक युवक का शव किया गया बरामद। जांच में जुटी पुलिस, हत्या की आशंका, 5 लोगों किया पुलिस ने गिरफ्तार। नगरकाटा थाने की पुलिस ने मालबाजार प्रखंड के नगरकाटा ग्रास मोड़ चाय बगान की लाइन नंबर 4 से एक युवक का शव बरामद किया। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद उन्होंने बताया कि इस युवक की हत्या की गई है। मृतक की पहचान 38 वर्षीय डेविड उड़ाव के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात चाय बगान के लाइन नंबर 4 से युवक की चाकू मारकर हत्या करने की वारदात सामने आई है। वहीं पुलिस ने अब तक इस घटना के जुड़े रहने के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं नगरकाटा थाने की पुलिस हत्या के वास्तविक कारणों की जाँच कर रही है। इस बीच बताया गया कि मृतक डेविड ओराव गुरुवार की शाम अपने घर पर ही था। घर पर रहने के वक्त डेविड को उसी गांव के एक व्यक्ति ने उसे बाहर बुलाया और उसके गले में छुरा से वार कर दिया और वह भाग निकला। वहीं लहूलुहान होकर डेविड सड़क पर गिर गया। और इस बीच स्थानीय लोगों को इस घटना की जानकारी मिली और वे लोग भी दौड़े चले आए, पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर डेविड ओराव के शव को बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने इस घटना से जुड़े रहने के आरोप में 5 लोगों को कल रात ही गिरफ्तार किया था। नगरकटा थाने की पुलिस ने आज यानी शुक्रवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी महकमा अस्पताल में भेज दिया है और पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी है। अलीपुर द्वार में हाथियों के झुंड ने पूरे फसल को किया तहस नहस, किसान हैरान और परेशान। अलीपुर द्वार जिले के मादरीहाट इलाके में हाथियों के झुंड ने खेतों में उगी पूरे फसल को तहस नहस कर दिया। 32 हाथियों के झुंड ने देर रात जल्दापाड़ा जंगल से निकलकर इलाके के कृषि क्षेत्र में घुसकर जमकर तांडव मचाया। इस बीच स्थानीय सूत्रों के अनुसार हाथियों ने 9 बीघा मक्के के खेत को तबाह कर दिया है। वहीं काल बैसाखी तूफान से क्षेत्र में पहले ही कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंच चुका है। इस बार हाथियों के हमले से बाकी बची फसलें नष्ट हो गई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हाथियों को जंगल में खदेड़ना शुरू कर दिया। वहीं वन विभाग पूरे स्थिति पर नजर बनाई हुई है। बिजली के खंबे से लटकता मिला किशोर का शव, इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। बिजली के खंबे से किशोर का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी 2 नंबर अंचल के बकड़ा भीटा इलाके की है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। मृतक की पहचान संटू बर्मन के रूप में हुई है, उसकी उम्र 17 साल है। जानकारी के अनुसार संटू पेंटर का काम करता था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार गुरुवार देर रात संटू इलाके के कुछ युवकों के साथ मिलकर शराब पीने निकला था। किसी बात को लेकर संटू का उनके साथ विवाद हो गया। इसके बाद आज सुबह स्थानीय लोगों ने इलाके के एक बिजली के खंभे से उसका लटकता हुआ शव बरामद किया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी। वहीं जानकारी मिली है कि मृतक के परिवार वालों की ओर से NGP थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं शिकायत के आधार पर
न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। जानकारी मिली कि उनके नाम सूरज छेत्री और राजू मंडल बताया गया है। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। পাতায় বলে মদ খাইছিল কার বাড়ির ওখানে আসলো এসে বলে গেছে বাবা মাকে যে আমার ছেলে এরকম উত্তেজা করছে পাড়া পড়ছে চিনা না জানা তা আমার তার মারতে পারি না পাড়ার ছেলেকে তো তুমি নিয়ে আসো তোমার ছেলেকে শাসন করো একটু অত বলে টলে চলে গেল ও আসে এসে আবার তোমার বাবা মা ওর মা ডাকলো বলছে যাস না ওদিকে বাইরে তুই বাড়িতে ঢুক ঢুকার পর বলছে বলা কথা শুনে নাই উনি আবার ওদিকে চলে গেল আবার বলে দুইজন বলেছিল আমি তার দেখি নাই আমার শাশুড়ি বললো আবার কে কে দেখছে কে কে উঠছে ওরা দেখছে বলে দুজন আবার নাম চিনি নাম বলো একজন আর একজন রাজু মন্ডল ছিল আর সাথে কেউ উঠছিল হয়তো আরো এরা এরা কারা আমরা পাড়াপ্রতিবেশী না ও এরা কা সুরজ মন্ডল সুরজ মন্ডল বাড়ি এখানে পাড়ারই ছেলে হ্যাঁ তুমি বলো ড্রিঙ্ক ট্রিঙ্ক করা হয়েছে রাতে বেলা তো এখানে আসলো তো পাশের বাড়ি একটা বাড়িতে ঝগড়া হয়েছিল মানে ঝগড়া কি ওখানে গিয়ে লাঠি দিয়ে নাকি বাড়াবাড়ি করছিল তারপর ওরা আবার জানলা দিয়ে ওরা আবার আসছিলো ওদের বাড়িতে বলতে তারপর ও মানে বাড়িতে এসে আবার নাকি বলছে জুতা থুই আসছে নেপালি বাড়িটায় ওই চারতলা বাড়িতে থুই আসছে যাওয়ার পরে জুতা নিয়ে আসতে গেছে তারপর আর ফিরে আসে নাই বাড়িতে লেতে এক ছোটা সা ব্রেক কই যাইয়েগা মত বনে রিয়া হামারে সাথ কি তো পাইলে সিলিগুড়ি মা ঘর লিনে সোচি রনু ভাই কুছ याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस् छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस् चम्पासरी स्थित मनकामना सेवेन यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHKदेखि 3.5 BHKसम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ चाँडो गर्नुहोस् 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ मनकामना सेवेन सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी सिलीगुड़ी में घर की तलाश है ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58 इनसाइड स्टोरी लोकेटेड एट प्लैनेट मॉल बेसमेंट वी हैव ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रैम पैडेड ब्रा नॉन पैडेड ब्रा स्पोर्ट्स वेयर अमांते हैज लॉट ऑफ इनरवेयर एंड लॉन्जरीज ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनामोर अवेलेबल विद डिस्काउंट We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tip, accessories. Inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान जहां हैवल्स गोल्ड मेडल आरआर कैबेल्स क्रेबट्री लेग्रेंड बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं ग्राहकों की संतुष्टि शीघ्र सेवा कंपेटिटिव प्राइसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स सेवक रोड सिलीगुड़ी 9932018834 10 लाख रुपयों के अवैध लकड़ी से बनी फर्नीचर को वन विभाग ने किया जब्त
बागडोगरा वन विभाग ने एक बार फिर अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। बागडोगरा वन विभाग अंतर्गत शिव मंदिर इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान अभियान चलाकर वन विभाग के अधिकारियों ने दुकान में रखे गए फर्नीचर को जब्त किया। इस बीच वन अधिकारियों ने जब दुकानदार से फर्नीचर के कागजात मांगे तो वह कागजात दिखाने में असमर्थ रहा। उसी वक्त वन विभाग के अधिकारियों ने उक्त फर्नीचर को जब्त कर बागडोगरा वन विभाग दफ्तर में भेज दिया गया। वन विभाग द्वारा जब्त फर्नीचर का बाजारी मूल्य तकरीबन 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं खबर मिलने तक किसी की गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। वन विभाग के द्वारा जांच अभी भी जारी है। कार में सवार एक व्यक्ति पर तीर चलाने की घटना से कूचबिहार में हड़कंप मच गया है। वहीं कूचबिहार अपने घर लौटते समय एक व्यक्ति पर तीर लगने से वह पूरी तरीके से घायल हो गया। घटना कूचबिहार जिले के खपटी डांगा इलाके की है। घायल व्यक्ति को पहले कूचबिहार के महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उसे कूचबिहार के एक निजी अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल व्यक्ति का नाम मकसूद हुसैन बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वहीं उक्त घायल व्यक्ति के परिवार वालों ने बताया कि उसका कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। দক্ষিণ খাবাডাঙ্গায় যে মসজিদে আজকে বিস্তারাবি, সেই বিস্তারাবিতে তারাবি নামাজ পড়তে গেছিলো। তারাবি নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসার পরে মসজিদের থেকে 50 মিটার দূরে কে বা কারা এসে ওকে তীর মেরে চলে গেছে, বাইক নিয়ে আসছিলো। যাই হোক, বাইক নিয়ে এসে তীর মেরে চলে গেছে, ওইখান থেকে নিয়ে আসা হইলো। কারা তীর মেরেছিল, কারা তীর মেরেছে অন্ধকারে দেখা যায় নাই। আমরা চাই যে এইরকম ঘটনা যাতে দ্বিতীয়টা আর না হয়। এবং এর আগে হয়েছিল, এর আগে উত্তর খাপাইডাঙ্গায় এই সেম কেস একটা হয়েছিল, একজন তীরবিদ্ধ হয়েছিল। তা আজকে দক্ষিণ খাপাইডাঙ্গায় সেম কেস হলো। এখন আমরা চাই যে এইরকম কাজ যারা করতেছে এবং এইরকম সন্ত্রাস তৈরি করতেছে তাদের অবিলম্বে প্রশাসন থেকে গ্রেপ্তার করুক এবং তাদের উচিত হিসাবে উচিত বিচার করুক। পুলিশ প্রশাসনকে বলবো যে এইটার সুবিচার, তাড়াতাড়ি দোষীরা যাতে গ্রেপ্তার হয়। তীরটা ওকে কেন মারলো, তীরটা অ্যাকচুয়ালি তীরটা যে ওকে মারলো কেন সেটা তো আমরা বলতে পারি না। এখন পুলিশ এটা ইনভেস্টিগেশন করে জানুক ব্যাপারটা কী আছে। আপনারা কী মনে করছেন, ওর তো কারোর সাথে কোনো শত্রুমিত্র থাকার কথা না। ভারতীয় জনতা পার্টি কে চায় বাগান সংগঠন BTW নে শুক্রবার কো ডুয়ার্স কে হরিদ্বার জেলে কে বিভিন্ন চায় বাগানো মে গেট মিটিং কর চায় বাগানো কি ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি, भूमि पट्टे, सेवा निवृत्ति की आयु 56 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के चाय मजदूर संगठन इंडियन टी वर्कर्स यूनियन की ओर से शुक्रवार की सुबह लगभग सभी चाय बागानों में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था। वहीं गेट मीटिंग में अलीपुरद्वार जिले के वर्णाबाड़ी, सांतली, दल सिंहपाड़ा, ताशाती, भातखावा सहित विभिन्न चाय बागानों के श्रमिकों ने हिस्सा लिया था। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद समेत कोतवाली थाने के रिहायशी इलाकों के लोगों ने चोरी व स्नैचिंग समेत नशीली दवा पर लगाम लगाने के लिए जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत है कि वार्ड में जगह जगह अवैध दवाएं मिल रही है। नतीजा यहाँ के क्षेत्र के युवाओं से लेकर आम लोग नशे के आदि हो रहे हैं। क्षेत्र में चोरी सहित विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में वार्ड में शांतिपूर्ण तरीके से रहना मुश्किल होता जा रहा है। इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। थाना आसलम जे 12 नम्बर वार्ड एवं संलग्न एलाका विशेषकर गोटा जलपाईगुड़ी शहर लॉ एंड ऑर्डर एकदम एमन भावे हैम्पर होच्छे। विशेष किचु छेले मेर नेशाग्रस्त छेले मे नेशा अवैध ड्रग बिक्री अवैध ड्रग सेवन जेगुलो आमरा বহুদিন থেকে দেখে আসছি শুনে আসছি তাদের দৌরাত্ম্য এত হারে বেড়ে গেছে যে কালভার্ট ভেঙে রড বিক্রি, তারপরে রাস্তায় রাত্রিবেলা গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোলা দাবি, তারপরে আরও অশ্লীল ব্যবহার রাস্তাঘাটে মানে এত বেড়ে গেছে যে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত। তার জন্য আমরা চাচ্ছি যে পুলিশ প্রশাসন ব্যাপারগুলো একটু দেখুক, কারণ
পাবলিকের পক্ষে সব কিছু ফেস করা অনেক কষ্ট হয়, যেটা পুলিশ অতি সহজেই ফেস করতে পারে। তার জন্যই তাদের সঙ্গে আমরা কথা বললাম, এখানে আইটি সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম, উনি আমাদেরকে বললেন যে পুলিশের পক্ষ থেকে ওরা 100% চেষ্টা করবে এবং যাতে এই ড্রাগ অবৈধ ড্রাগ ব্যবসা অবৈধ ড্রাগ সেবন এই দৌরাত্মরা বন্ধ করা যায়, তার জন্য ওনারা 100% চেষ্টা করবেন। ওনারা নাগরিকবৃন্দের কাছেও সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন, আমরা এখানে অনেকেই আছি এই এলাকার। প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ অর তম্বাকু উৎপাদকে খিলাফ কারওয়াই হই শুরু, চালায় গিয়া অভিযান। কুচবিহার জেলে কে মাথাভাঙ্গা মহকুমা প্রশাসন নে মাথাভাঙ্গা শহর মে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ অর তম্বাকু উৎপাদকে খিলাফ কারওয়াই শুরু কর দি হ্যায়। মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক অচন্ত কুমার হাজরা নে আজ কে অভিযান কে সন্দর্ভ মে বতায়া কি রাজ্য সরকার দ্বারা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগস পর প্রতিবন্ধ কে বাবজুদ কুচ व्यापारी प्लास्टिक बैग का उपयोग कर रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए इसे रोकना बेहद आवश्यक है। इसलिए माथाभंगा इलाके में अभियान चलाया गया और कई दुकानों से प्लास्टिक के कैरी बैग और थर्मोकोल जब्त किए गए। उन व्यापारियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। माथाभंगा नगर पालिका के अध्यक्ष लक्ष्यपति परमानिक ने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग और तम्बाकू उत्पादों पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ छापेमारी अभियान भी चलाई गई और यहाँ प्रशासनिक अभियान लगातार पूरे शहर भर में जारी रहेगी। एक जौथ कर्मसूची जेखने पौरसभा पौरपिता एवं हे पचागढ़ ग्राम पंचायत पौर ग्राम पंचायत प्रधान साहेब एखे रही संगे हमारे पुलिस आधिकारिका रही है जे अपारा जान राज्य पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड যে যারা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু দোকানে এই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক রয়েছে। তো আজকে এই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধেই একটা অভিযান আমাদের ছিল, আমরা বেশ কিছু দোকানে আমরা পেয়েছি, সেগুলোকে যেমন সিজ করা হয়েছে তেমনি দোকানদার ক্রেতা এদেরকেও আমরা সতর্ক করেছি, সচেতন করেছি, যাতে করে ভবিষ্যতে তারা এই ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার না করে এবং সবাই পরিবেশ রক্ষায় সহযোগিতা করে। মানে যাদের তাদের বিরুদ্ধে যেমন আইনানুগ ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন পৌর অঞ্চলের ক্ষেত্রে যিনি বিক্রেতা পৌর মানে প্লাস্টিক কাউকে দিচ্ছেন তার কাছ থেকে 500 টাকা পর্যন্ত ফাইন নেওয়া যেতে পারে। যদি কোনো কেউ অন্য কোনো ক্রেতা বা অন্য কেউ যদি প্লাস্টিক ব্যবহার করে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক তার কাছ থেকে 50 টাকা করে ফাইন নেওয়া যায়। তো সেরকমটি নেওয়া হবে। তো এটা তো যেহেতু একদম শুরুর দিকে রয়েছে, এর আগেও আমরা অনেকবার অভিযান করেছি, আবার যেহেতু আমরা এবার এই ফেজে শুরু করলাম, আজকে হয়তো খুব বেশি কড়াকড়ি করা হচ্ছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে এটা খুব কড়াকড়ি করা হবে এবং হচ্ছে কিছু ফাইন করা হবে এবং হচ্ছে কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌরসভা তারা এদের ডেডলাইনকে বাতিল করার পরিকল্পনা করবে। অন্যান্য যা যা আইন ব্যবস্থা পুলিশ নিতে পারে সেগুলো আর এই প্রধান সাহেব আছেন উনি দেখবেন, কিন্তু তার সঙ্গে আমি বলবো এটা কিন্তু রাজ্য সরকার এই প্রচার কিন্তু করছে। আপনি দেখবেন যে মাঝে মাঝেই এটা কিন্তু টিভিতে যে সচেতনতা যে অনুষ্ঠান প্রচার যেটা হয় সরকার তার মধ্যে কিন্তু এটা রয়েছে, যে আমাদের খবরের কাগজ, হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু সরকার মাঝে মধ্যে এই সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। ফলে যদি কেউ বলেন যে তিনি একদমই জানেন না তাহলে এটা হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়। সেই সঙ্গে আমি এখানে প্রধান সাহেব আছেন ওনাকে আমি অনুরোধ করবো যে যদি একটুখানি মাইকিং করে দেওয়া যায় তাহলে যারা জানেন না তারাও জেনে যাবে। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगे लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क फूलबाड़ी सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।